हाँ, आजकल वो आस्तीन का साफ हर जगह हो गए हैं। देखते हैं हम। हाँ चलो। हाँ आप जंगल के राजा हैं कालीकांत बाबू, अब दूर शहर में बैठे अवधेश सोलंकी को कैसे याद कर लिया आज? अरे आपने भी तो वो कंक्रीट का जंगल बनाया हुआ है शहर में, तो वहां के भी राजा बनने का इरादा है आपका? अरे नहीं नहीं सोलंकी साहब, ये क्या कह रहे हैं? बस एक छोटा सा निवेदन था आपसे, अगर हम दोनों ऐसे ही मिलते रहे ना, तो आपका हिस्ट्री हमारा प्रेजेंट दोनों सुरक्षित रहेगा। देखिए सीधा पॉइंट पर आते हैं, आप अपनी लाडली बिटिया को जाके समझाइए कि वो जांच का आदेश वापस ले और अपने चित्ता प्रेम के अध्याय का इतिश्री करें, वरना वरना क्या कालीकांत? अरे हाइपर काहे हो रहे हैं सोलंकी साहब, हार्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा। बैठिए बैठिए जरा, आप नहीं बैठ रहे तो चलो अब हमें ही खड़ा होना पड़ेगा। जंगल का शेर बाहर आ गया तो आपको पता ही है ना, बहुत शिकार हो जाएंगे। कहा है ना सोलंकी बाबू, हम शतरंज के वो खिलाड़ी हैं जो दोनों पासे का क्वीन को अपने कब्जे में रखते हैं। कोई डाउट तो नहीं है ना? जी पानी पी लीजिए, गला सूख गया होगा, ले लीजिए। क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? हम देखते हैं, शायद कोई ग्लास टूटा है। छोटकी मलकी नहीं, हम देखते हैं। रुक जा जमला, इसे भेज, जा जाके देख क्या क्या गिरा। जी सरकार। ये तो बच्ची है। खड़ी गाओ, हाँ दिखता नहीं कांच टूटा है, जाओ झाड़ू लेकर आओ, साफ करो। समझ गए कालीकांत बाबू, जंगल में राज करते करते आपके अंदर का जानवर भी बहुत क्रूर हो गया है। छोटी सी बच्ची को नौकर बना दिए, जानबूझ के गिलास तोड़ा और सफाई के लिए भी इस बच्ची को बुलाया। सोलंकी साहब, ये बच्ची हमारे बेसात की वो क्वीन है जो हमारे कब्जे में है। वैसे आपका इस बच्ची के लिए फिक्र करना लाजमी है। मतलब कि खून खून के लिए दर्दता महसूस करेगा ही ना जी? क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं, आपकी बिगड़ैल बेटी ने 7 साल पहले जो कर्म कांड किया था ना, ये छोकरिया उसी मजाक का उपज है। आपकी बेटी गीता और चित्ता हरीश की बिटिया है ही छोकरिया।